अब तक के वीडियो लेसन्स में हमने देखा है कि किस तरीके से हम गूगल क्लास को क्रिएट करते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और क्रिएट के ऑप्शन से अपनी क्लास बना सकते हैं। जब हम क्लास को ज्वाइन करते हैं, उसमें एंटर करते हैं, तो हमें कौन से टैब्स दिखाई देते हैं। हमें दिखाई देता है स्ट्रीम, जो कि एक सोशल मीडिया की तरह है, जहाँ पे अनाउंसमेंट्स को पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा पीपल टैब, जिसका यूज़ करके हमने टीचर्स और स्टूडेंट्स को क्लास में जोड़ा। इसको हमने व्यक्ति के प्लस साइन के साथ या फिर कोड को शेयर करके टीचर्स और स्टूडेंट्स को जोड़ा। आज हम क्लास वर्क देखेंगे और ये देखेंगे कि असाइनमेंट्स को कैसे हम बच्चों तक देते हैं, मटेरियल्स को, रिसोर्सेस को, पोस्ट को रीपोस्ट करते हैं। ये सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, क्लास असाइनमेंट, क्विज है, क्वेश्चंस है, दूसरा मटेरियल है, रीपोस्ट का ऑप्शन है और फिर टॉपिक है। तो सबसे पहले जब हम क्लास में कोई मटेरियल देते हैं तो हम टॉपिक ऐड करते हैं। हम टॉपिक पर क्लिक करते हैं और हम चैप्टर का नाम दे देते हैं, टॉपिक का नाम देते हैं। फॉर इंस्टेंस द सेल, हम इसको ऐड कर देते हैं और जैसे ही हम क्लिक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे कि ये लीफ का टॉपिक यहाँ पर ऐड हो गया। दूसरा टॉपिक या चैप्टर कह लीजिए, हम ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं द सेल। जैसे ही हमने द सेल लिखा, उसको ऐड किया, ये भी दूसरा टॉपिक अब यहाँ पर हमारे पास जुड़ गया है। तो इस तरह से दो टॉपिक से हमारे पास आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ भी द सेल, द लीफ। इसके अंतर्गत यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस होते हैं जो कि हम कर सकते हैं टॉपिक के साथ, और टॉपिक के अंदर ही हम इससे रिलेटेड मटेरियल पोस्ट करेंगे तो हमारा मटेरियल ऑर्गेनाइज रहेगा। यहाँ पर रीनेम कर सकते हैं टॉपिक को, हम इसको यूज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हम मूव अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से वेरियस ऑप्शंस आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास है। जैसे ही हम लीफ को मूव अप करेंगे तो ये पहले टॉप में आ जाएगा और अब हम इससे रिलेटेड मटेरियल ऐड करते हैं। मटेरियल क्लिक करें, यहाँ पे टॉपिक डाल सकते हैं, क्या टाइटल है हमारा, फॉर इंस्टेंस द लीफ है, और यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर दें कि क्या आज हम लीफ के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर वो स्ट्रक्चर है, उसकी संरचना है, कुछ भी हो सकता है, फंक्शंस हो सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो कई ऑप्शंस हमारे पास आएंगे, जहां पर हम देखते हैं गूगल ड्राइव के जरिए, लिंक के जरिए, फाइल के जरिए या फिर यूट्यूब के जरिए हम यहां पर मटेरियल ऐड कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक आप यहां पर देखेंगे ऑप्शन क्रिएट का है, हम क्रिएट भी कर सकते हैं मटेरियल यहां पे गूगल डॉक्स का यूज कर। हमारे पास शीट्स हैं और हमारे पास स्लाइड्स के ऑप्शंस हैं, इमेजेस हैं, हम इनको भी यूज कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम ऐड करेंगे मटेरियल, ये जो ऑप्शंस है इनको यूज करके। सबसे पहले ड्राइव पर जाएंगे, आपकी अगर ड्राइव है उसमें कोई भी मटेरियल है आप उसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, यहाँ पर आपके सामने वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें कौन से क्लास को इसको भेजना है। अगर आपके पास ज्यादा क्लास है तो क्लास के ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आप एक स्टूडेंट को भी भेज सकते हैं, आप कई स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं, सबको भेज सकते हैं, और यहाँ से टॉपिक चूज कर सकते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। द लीफ हमने अब यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और हमने इसको पोस्ट कर दिया। तो ये जो खास मटेरियल है ये द लीफ टॉपिक के अंतर्गत आपको मिलेगा और बच्चे को ये पता चलेगा कि ये इसके अंतर्गत है। यहाँ पर आप अनाउंसमेंट दे सकते हैं स्ट्रीम में जा करके, तुरंत स्ट्रीम्स में अनाउंसमेंट्स आ जाते हैं। दूसरा हम जब मटेरियल ऐड करेंगे तो अब हम यूज करते हैं दूसरे ऑप्शन को। उसी तरह से आप यहाँ पर एक दूसरा लिंक ऐड करेंगे, लिंक ऐड हो गया, आप टाइटल को, जो टॉपिक है, डिस्क्रिप्शन को है, उसी तरह से उस विधि को अपनाएंगे, क्लास को सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे और फाइनली आप क्या करेंगे कि उस रिसोर्स को पोस्ट कर देंगे अपने स्टूडेंट्स को। जैसे ही पोस्ट करते हैं ये भी फिर जो है वो आपका टॉपिक वहाँ पर ऐड हो जाता है। आप तीसरा हम मटेरियल ऐड करते हैं यहाँ से और इस बार देखते हैं कि हम अगर किसी लिंक को ऐड करें यहाँ पर या फिर हम किसी अपने फाइल को यूज करें जो कि हमारे लैपटॉप में है, कंप्यूटर में है, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि टॉपिक हमने डाला, टाइटल हमारे पास आ गया, हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया और डिस्क्रिप्शन के बाद हमने अभी तक देखा है इस ऐड ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन है लिंक का, आपकी फाइल का जो आपके पास लैपटॉप में है। तो आप उस डेस्टिनेशन फाइल या फोल्डर तक जाएंगे और आप उसको अपलोड के इस ऑप्शन से ब्राउज करके डॉक्यूमेंट को या फाइल को यहाँ पर जोड़ सकते हैं और फाइनली सारे विधि वही अपनाते हुए आप इसको पोस्ट कर देंगे। टॉपिक आपने देखा, आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि यूट्यूब का कंटेंट कैसे डालते हैं। थैंक यू वेरी मच।